के साथ सीता के रूप में तुलसी भाई के बच्ची यहाँ पधार चुकी है और स्वयंवर में सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं यही देखने के लिए कि इनका शादी किन से हो रहा है। अब समय जानी गुरु आय सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई। बक्सर में पाती मिला उन्होंने जनकपुर में पधार चुके अपने शिष्यों के साथ विश्वामित्र मुनि। अब जनकपुर में धनु जग देखने के लिए सबसे ऊंचा स्थान श्री रामचंद्र जी दोनों भाई को बना हुआ था। राजा जनक जी के दूत आते हैं और दोनों हाथ उठा के अनाउंस करते हैं कि जो यह वीर धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता विवाहित होगी। लेकिन कारण है कि वहाँ बहुत सारे वीर थे, यहाँ एक वीर आए हैं जो छपरा से चल कर छपरा महमदा गाँव से यहाँ राम के रूप में पधार चुके हैं। यह जो राम के रूप में जो पूजनीय है वो आपके सामने में धनुष तोड़ेंगे और सीता के रूप में जो बच्ची है उनको जयमाला जो है सो पहनाएगा। आप लोग ताली से जरा स्वागत करेंगे। हल्ला शांत कीजिए, हल्ला शांत कीजिए। राजा जनक जी व्रण तो ठान दिए, संकट यह था कि देश विदेश के सभी वीर लोग वहाँ किसी से धनुष टूटने का तो बात था हिला भी नहीं। राजा जनक जी कहते हैं कि मैं जो यह वरण किया वह सबसे बड़ा गलती किया, अब हमारे सीता के भाग में शादी लिखा ही नहीं है। तो राजा जनक जी कहते हैं 100 करोड़ बोल रहे हैं कि उस समय ज्यादा लग गया। राजा जनक जी देख करके वीरों का स्थिति सुनाते हैं। अरे आप लोग हल्ला शांत कीजिए। लिखा न विधि वैदे ही विवाह हे देश के कर्मधार वीर लोग, मैं अगर इस धरती पीरों से खाली है वरण ही नहीं करता, इसलिए आप लोग हमारा स्थान त्यागी छोड़िए और अपने अपने घर को जाइए। इसी पर लक्ष्मण लाल जी उठ करके खड़क करके बोलते हैं कि हे राजा जनक जी, यदि रघुकुल के कोई भी वंशज अगर इस सभा में खड़ा है तो इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए। काहे कि ये जो धनुष तोड़ने की बात तो दूर है, हम यह धनुष को 100 योजन तक लेकर दौड़ सकते हैं और पृथ्वी को गेंद बना करके मैं उड़ा सकता हूँ, मुझ में इतना क्षमता है। अगर गुरु का आज्ञा हो तो मैं तोड़ने के लिए तैयार हो जाऊँगा। विश्वामित्र मुनि समय शुभ जानी, समय जान गए कि अब लखन लाल जी नहीं मानेंगे तो ऊठहू राम उठहु राम भजहु भव चापू विजय जनक परिताप तुम्हार, यानी हे राजा हे राम आप उठिए और राजा जनक जी के जो मनसा है मनकामना है उस मनकामना को आप पूरा कीजिए, क्योंकि इनका श्रद्धा है। भगवान राम धीरे 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 अपना कदम बढ़ाते हैं, धीरे धीरे राम जो है सो यहाँ पर धनुष के पास आते हैं और सबसे पहले धरती को प्रणाम करते हैं। सुहावने लाजला हो भैया मने भावने लाजला, आजुचे दिनवा हमर को सबर कोई नरिया स्वेद धाम लाजला, मने भावने लाजला हो भैया सुहावने लाजला, हमारे सबल पूर्ण नरिया स्वेद ते समान लाजला, मन भावन लाजला हो मुंशी भैया सुहावने लाजला, हमारे गुरु देवते नरिया स्वेद ते समान लाजला, हमारे गुरु देवते नरिया स्वेद ते समान लाजला। बहुत बढ़िया भजन हमारे किस्मों से सुने, अच्छा है होना चाहिए। अब रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा पाकर के
धनुष के पास पहुंचते हैं, आप नीचे धरती तक प्रणाम कीजिएगा, उसके बाद धनुष को प्रणाम कीजिएगा। भगवान राम धरती माता के प्रणाम करते हैं, उसके बाद खड़ा होकर के सारे इष्ट को प्रणाम करते हैं, सब लोग को प्रणाम की देखा अब रामचंद्र जी धनुष के पास आकर के कुछ बात मन में सोचते हैं। सीता कुमारी रहेगी, अगर धनुष तोड़ देता हूँ तो धनुष की कुमारी का कुल में कलंक लगेगा, अगर सब बात सोच कर तोड़ने में ही भलाई है, नहीं तो सीता कुमारी के कुमारी रह जाएगी। इसलिए रामचंद्र जी हाथ धनुष पर धीरे धीरे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे। सखी लोग संकुचित में है, नर नारी सब लोग, कि अब इतना बड़ा बड़ा वीर थक गया तो इनसे क्या होगा। सारे लोग में उदासी था, सन्नाटा था, धीरे धीरे आप जो है सो धनुष के आगे हट रहे हैं, आगे बढ़ाइए, आगे आगे उठा करके सुनिए। है दवा जोर नहीं लगेगा और दूरी कीजिए, हाँ कीजिए ना, जितना दूरी नहीं लगेगा। चलिए उठाइए। अब भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष उठा लिए हैं, अब हल्ला काम कीजिए आप लोग, बाबा की जय। अब भगवान राम जब धनुष तोड़ देते हैं, गगन से फूल के वर्षा देवता लोग बताते हैं कि सीता के मन, धरती के मन और राम के मन एक ही समान था। अब सीता जी खुशी में पास सहेली के साथ मंगल गीत गाते हुए धीरे धीरे हाँ।